आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। घटसाना से हमारे संवाददाता वेद अग्रवाल ने बताया कि एसडीएम ने की ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक। घटसाना उपखंड अधिकारी राम अवतार कुमावत द्वारा उपखंड क्षेत्र के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा का आयोजन किया गया। इस बैठक में तहसीलदार घटसाना वैरावला, नायब तहसीलदार, प्रवर्तन निरीक्षक घटसाना, छात्रावास अधीक्षक घटसाना, AAO कृषि विभाग घटसाना, BPM चिकित्सा विभाग, XEN जल संसाधन विभाग घटसाना, AEN जोधपुर विद्युत विभाग निगम लिमिटेड, PHED घटसाना, ADO पंचायत समिति घटसाना, CBEO घटसाना, ACBEO घटसाना, CDPO घटसाना, रेंजर वन विभाग घटसाना, वरिष्ठ पशु चिकित्सक घटसाना सहित अधिकारी उपस्थित रहे। तहसीलदार घटसाना वैरावला को निर्देशित किया गया कि अवैध ईंट भट्टा संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रेषित करें। इसके साथ ही अवैध जिप्सम खनन के विरुद्ध भी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। उपखंड क्षेत्र में टिड्डी दल के बढ़ते हुए आक्रमण को देखते हुए तहसीलदार घटसाना रावला, सहायक निदेशक कृषि विस्तार अनूपगढ़ को निर्देशित किया गया कि भविष्य में टिड्डी दल के आगमन पर संबंधित अधिकारी तथा हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, ग्राम सेवक, सहायक कृषि अधिकारी मौके पर अविलंब पहुंचे। प्रवर्तन निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि NFSA से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी के नाम सूची से हटवाने व नियमानुसार वसूली हेतु कार्यवाही करें। तहसीलदार घटसाना रावला, नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि मनरेगा कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करें। जल संसाधन अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नहरों के रखरखाव हेतु पटनों पर खड़े पेड़ों, झाड़ियों को हटाया जाना है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा पेड़ व वन संपदा का नुकसान बताया जाकर रोका जा रहा है। इसके लिए अधिशासी अधिकारी व RFO को निर्देशित किया गया कि अपने उच्च अधिकारियों से पत्राचार कर उक्त समस्या का निराकरण यथाशीघ्र करवाएं। सहायक अभियंता जलदाय विभाग ने बताया कि ग्राम पंचायत 7 MLD में जनता जल योजना स्कीम के तहत संचालित वाटर वर्क्स में 2 फिल्टर खराब अवस्था में होने के कारण ग्रामवासियों को बिना फिल्टर पेयजल की सप्लाई की जा रही है। इसके संबंध में सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि प्रकरण के संबंध में XEN, PHED तथा श्रीमान मुख्य कार्यकारी महोदय को अवगत करवाया जाए ताकि समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो सके। उपखंड क्षेत्र में बार बार हो रही विद्युत कटौती की समस्या को देखते हुए सहायक अभियंता विद्युत विभाग को निर्देशित किया गया कि विद्युत लाइनों, उपकरणों की देखरेख समयानुसार किया जाना सुनिश्चित करें तथा भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए बार बार विद्युत कटौती न हो, इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के साथ साथ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा पर उनका समाधान करने के लिए निर्देशित किया गया।